दोस्तों लास्ट एपिसोड में आपने देखा था हम लोग कैलिमपोंग में थे। कैलिमपोंग के किरने बाजार में हम लोग मौजूद थे और वहाँ हमने लंच किया था। अभी हम लोग आगे बढ़ गए गैंगटॉक के लिए और आज का ये एपिसोड बहुत शानदार रहने वाला है क्योंकि हम पश्चिम बंगाल से सिक्किम में एंट्री लेंगे और वो बॉर्डर आपको दिखाएंगे और बाकी बहुत सारी अलग अलग जगह है जहाँ हम आपको लेकर चलेंगे। तो इस एपिसोड को भी पूरा जरूर देखिएगा। गाड़ी से ही गए बट हमने सोचा कि ना अपनी गाड़ी तो होटल की पार्किंग में लगा दी घूमने के लिए। एक बंदे को पकड़ा, वो नाम था ठाकुर, राजीव ठाकुर। तो उसका ऑटो रिक्शा था। कभी कभी कुछ डिफरेंट करने का मन होता है ना, तो ऑटो रिक्शा कर लिया उसने। ऑटो से गए उसने हमसे लिए 700 रुपीज ओनली। ठीक है, 3-4 घंटे भी नहीं लगे थे, 3-3.5 घंटा लगा होगा घुमा के वो हमें वापस छोड़ाया। फिर 1.5 साल बाद हम दोबारा मनाली गए और उसको कॉल किया, वो एकदम पहचान गया, अरे सर आप आइए। स्टैंड पर गया, चाय पिलाई और मैंने कहा भाई काम कैसे चल रहा है। कह रहा कि सर हम तो ऐसे चल रहा है कि जबरदस्त थी। उसने ऑटो से गाड़ी ले ली। तो फ्रेंड्स ये तो थी मनाली की कुछ यादें। अभी हम लोग आगे बढ़ गए हैं किरने से, कह सकते हैं कैलिमपोंग से। और यहाँ भी हम जो देख रहे हैं ना, ये रोड तो वेस्ट बंगाल है और हमारे लेफ्ट हैंड पर जो पहाड़ है वो सब सिक्किम है। लेकिन अभी भी हम लोग बढ़ रहे हैं सीधा इसी रोड पर ईस्ट सिक्किम के लिए, यानी गैंगटॉक के लिए। किरने बाजार से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर रेंगपो नाम की जगह आती है और रेंगपो ही वो जगह है जहाँ पर सिक्किम बॉर्डर है। बेसिकली वहाँ एक चेक पोस्ट भी बनाया गया है, वो जगह आपको दिखाएंगे। प्रॉपर चेकिंग होती है, उसके बाद ही आगे जाने दिया जाता है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप सिक्किम टूर करते हैं तो वोटर आईडी कार्ड का होना बहुत ज़रूरी है। आधार कार्ड वगैरह वहाँ नहीं चलता है। वोटर आईडी कार्ड काफ़ी अलग अलग जगहों पर जरूरत पड़ती है, जैसे नाथुला पास जाते हैं या नॉर्थ सिक्किम जाते हैं। वो सारी जानकारी आपको आगे देंगे और साथ ही उन सभी जगहों पर लेकर भी चलेंगे। फिलहाल तो ये व्यूज़ देखिए आप, रोड अब बहुत स्मूथ है और आसपास के व्यूज़ बहुत शानदार हैं। किरने से बात करें तो पहले 6 किलोमीटर पर तारखोला नाम का एक गांव आता है और उसके बाद रेंगपो पहुंचेंगे हम करीब 8 या 9 किलोमीटर बाद। अभी हम तारखोला के आसपास ही मौजूद हैं और काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक रहता है इस रोड पर, बहुत टूरिस्ट आते हैं। और ख़ास बात है कि जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो ज़्यादातर पैकेज के थ्रू आते हैं, क्योंकि पैकेज में अगर हम घूमते हैं ट्रैवल एजेंसी के थ्रू अगर हम घूमते हैं तो नॉर्थ सिक्किम, साउथ सिक्किम, ईस्ट सिक्किम या पूरा सिक्किम घूमना बेहद आसान हो जाता है। तो हमने भी पैकेज के थ्रू ही इस टूर को बुक किया है, तो हम भी ऐसे ही एक पैकेज लेकर आए हैं। और हमने पैकेज बुक किया है सिक्किम टूर का आराध्या टूरिज्म से। आराध्या टूरिज्म का ऑफिस सिलीगुड़ी में है और उन्हीं के थ्रू इस पूरे टूर को करेंगे हम सिक्किम के। अगर आप भी करना चाहते हैं तो उनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप कॉन्टैक्ट कीजिए और अपना टूर फट से बुक कर लीजिए क्योंकि अभी सीजन ऑन है। जगह जगह पर खाने पीने के लिए ना ढाबे बने हुए हैं, तो खाने पीने के लिए गैंगटॉक तक रास्ते में कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल नेटवर्क की बात करूं तो अभी तो लगभग सारे ही नेटवर्क काम कर रहे हैं, आइडिया, वोडा, एयरटेल, जियो, सब प्रॉपर काम कर रहे हैं। लेकिन नॉर्थ सिक्किम में थोड़ा इशू रहेगा, वहां भी देखेंगे कि कौन सा नेटवर्क आता है, आपको बताएंगे। हम लगभग रेंगपो पहुंचने वाले हैं। ये रेंगपो का ही आउटर एरिया है और
रैंक को मेन वो पॉइंट है जहाँ से हम लोग वेस्ट बंगाल से सिक्किम में एंट्री लेने वाले हैं। ये आ गया खूबसूरत लोहे का पुल और बराबर में फ्लो कर रही है टिस्टा रिवर। बहुत अल्टीमेट नज़ारे, बहुत अल्टीमेट ये टूर रहने वाला है सिक्किम का। तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा और इस सीरीज को पूरा देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हमारी लाइव अपडेट के लिए इंस्टा पर फॉलो जरूर करिए। ये जो गेट देख रहे हैं ना, यही है रैंको का वो गेट, बॉर्डर गेट, जहाँ से हम सिक्किम में एंट्री ले लेंगे। यानी गेट के इस तरफ बंगाल और गेट के पार सिक्किम। अब हम सिक्किम में पहुंच गए हैं। यहाँ से सिंगतम करीब 11 किलोमीटर के आसपास है, और रैंको काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी बड़ा शहर है, सभी तरह की सुविधाएं यहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएंगी। रैंको से ना अगर जुलुक जाना चाहते हैं तो उसके लिए अलग रास्ता डाइवर्ट होता है। यहाँ से जुलुक करीब 54 किलोमीटर के आसपास है, बहुत अजीब गरीब रास्ता है, एकदम जिग जैक रोड है, पहाड़ों की चोटियों पर से वो रोड बनाया गया है, वो बहुत खास जगह है। अगर आप जाना चाहते हैं तो जुलुक भी जा सकते हैं, लेकिन हम अभी फिलहाल गैंगटॉक के लिए निकल रहे हैं। और जुलुक से करीब 77 किलोमीटर और अगर आगे बढ़े ना तो नाथांग वैली पहुंच जाते हैं। नाथांग वैली भी बहुत खूबसूरत जगह है, और नाथांग वैली जाने के लिए गैंगटॉक से भी एक अलग रास्ता है, करीब 64-65 किलोमीटर दूरी है वहाँ की। और एक बाबा हरभजन सिंह मंदिर है, एक्चुअली जब हम नाथुला जाते हैं तब वो मंदिर देखने के लिए मिलता है, उधर से भी नाथांग वैली के लिए रास्ता है। उस सब जगह आपको लेकर चलेंगे आगे के एपिसोड्स में। फिलहाल तो हम रैंकपो से आगे बढ़ गए, और रैंकपो से करीब 4.5 किलोमीटर की दूरी पर मजीतार नाम का एक और गांव या कस्बा कह सकते हैं, वो आने वाला है। सिक्किम वैसे ना जाना जाता है अपनी मशरूम की खेती के लिए। यहाँ हम देख रहे हैं कि जगह जगह मशरूम बेचा जा रहा है, छोटे छोटे स्टॉल बने हुए हैं, बच्चे बेच रहे हैं, लेडीज़ लोग बेच रही हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मशरूम की खेती होती है। और ये आ गई है एक खूबसूरत सी टनल। टनल की लंबाई तो ज़्यादा नहीं है और चौड़ाई भी कोई खास नहीं है, छोटी सी टनल है, शायद एक छोटे से पहाड़ के नीचे इस टनल को बनाया गया। जितना हम आगे चलते जा रहे हैं ना, व्यूज भी खूबसूरत होते जा रहे हैं, और गैंगटॉक का तो टेम्परेचर भी काफी लो रहने वाला है। तो यार वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलती है कि ऐसी ही नई नई सीरीज आपके लिए लाते रहे। तो लाइक जरूर किया कीजिए, अच्छा सा कमेंट जरूर करिए, कोई सवाल है तो वो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। सामने बोर्ड है, सिक्किम में आपका स्वागत है। वैसे तो सिक्किम में हमारी एंट्री हो ही गई थी रैंको में जब हम आए थे, रैंको सिक्किम में ही है। अभी हम मजीतार पहुंच गए हैं, और मजीतार से करीब 2.5-3 किलोमीटर और आगे आना पड़ेगा तो बैगी खोला नाम का एक और छोटा सा कस्बा आता है। ये देखिए खूबसूरत नज़ारे, खूबसूरत ये पुल। आप में से कितने लोगों ने सिक्किम टूर किया है, चलिए कमेंट बॉक्स में हमें बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो बताइए। ये यहाँ से गैंगटॉक रह गया है 28 किलोमीटर के आसपास, और रानी पोल रह गया है 17 किलोमीटर। एक टनल अभी आई थी और एक टनल अभी बाद में आएगी सिंगतम के बाद, वो भी एक छोटी सी ही टनल है। उन सभी जगहों पर आपको लेकर चलेंगे। सिंगतम भी बहुत अच्छी जगह है। अभी हम आगे बढ़ गए हैं और सिंगतम में ही हम लोगों की एंट्री हो रही है। बारडांग से करीब 3 किलोमीटर आगे सिंगतम आ जाता है, और ये जो शहर आप सामने देख रहे हैं ना, यही सिंगतम सिटी है। बहुत खूबसूरत ये शहर है, टिस्टा नदी के किनारे पर बसा हुआ है, और बहुत खूबसूरत व्यूज है यहाँ से। सिंगतम से 75 किलोमीटर जो पीछे कट देखा था ना आपने, इसी कट से अगर आप 75 किलोमीटर आगे चले तो गीजिंग नाम के एक खूबसूरत हिल स्टेशन पर पहुँचते हैं, और सिंगतम से करीब 3.5 किलोमीटर के बाद वो टनल आ जाएगी जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि एक और टनल हमें देखने के लिए मिलने वाली है। रोड अब थोड़ा नैरो हो गया, नैरो इसलिए कह सकते हैं क्योंकि सिटी एरिया है। फाइनली आ गई है वो एक और टनल। इस टनल की ना चौड़ाई बहुत कम है, दो गाड़ी बराबर बराबर से बिल्कुल चिपक कर चलती हैं, लेकिन टनल की लंबाई यहाँ भी कम है, मतलब एक छोटे पहाड़ को काट कर ही इस टनल को बनाया गया है। और इस टनल को पार करने के बाद करीब 5 किलोमीटर और चलना पड़ेगा तो मार्टम नाम के एक और गाँव में हम पहुँचेंगे। अब जितना आगे बढ़ रहे हैं ना, व्यूज बदल रहे हैं, रोड कंडीशन बदल रही है, रोड की जो चौड़ाई थी वो थोड़ी कम हो गई है,
पहाड़ों की स्ट्रक्चर भी चेंज हो गई है। मार्टम हम लोग पहुंच गए हैं। इस बार पूरा सिक्किम आपको घुमाने वाले हैं। सिक्किम की जो ट्रेडिशनल चीजें हैं वो दिखाने वाले हैं। यहाँ के बर्फ से ढके हुए पहाड़ आपको दिखाएंगे। जीरो पॉइंट, यामथांग वैली, नॉर्थ सिक्किम, लाचीन, लाचुंग, गुरुडोंगबर लेक, थांगू वैली, सब जगह लेकर चलेंगे। तो ये सीरीज बहुत शानदार रहने वाली है। अब गैंगटोक और मार्टम के बीच में एक और बड़ा शहर आएगा, रानीपॉल। तो वो भी खूबसूरत जगह है। यहाँ भी आप देख ही रहे होंगे कि कितने डिफरेंट नज़ारे हैं। आसपास में बुरांस की खेती यहाँ भी हमें देखने के लिए मिल रही है। बुरांस के फूलों से सजे हुए रास्ते वाकई में बहुत लाजवाब लगते हैं। अब कुछ जगहों पर ऐसे पैचेस भी हैं जहाँ लैंडस्लाइड जोन है। वैसे हमारी बात हुई थी यहाँ पर कुछ लोगों से भी, तो वो लोग बता रहे थे कि इस रोड को चौड़ा करने का काम चल रहा है। पहाड़ों को काट कर रोड को चौड़ा किया जा रहा है, तो जल्दी यहाँ और भी अच्छे रोड देखने के लिए मिलेंगे। अभी हम लोग रानीपॉल पहुँच ही चुके हैं लगभग। और रानीपॉल से करीब 11 किलोमीटर रह जाता है गैंगटोक। और गैंगटोक तो बहुत बड़ा शहर है, सिक्किम की राजधानी है, तो सभी तरह के ऑफिस वगैरह सब चीज़ें हैं वहाँ। अभी रानीपॉल थोड़ा दूर रह गया है, क्यों, ये कोई और कस्बा था, मैं इसका नाम नहीं जानता। शायद आप जानते हैं तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और कौन कौन लोग सिक्किम से इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। वेस्ट बंगाल से कौन कौन देख रहा है ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इस सीरीज में हम सिक्किम का खान पान, सिक्किम में कौन कौन सी जगह घूमने जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, बेस्ट तरीका क्या है, सब चीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। क्या लेकर जाना चाहिए, क्या एहतियात हमें बरतनी चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, परमिट कैसे बनता है, सब चीज़ें कवर करेंगे और सब चीज़ें डिटेल में आपको हम बताने वाले हैं पूरी सीरीज में। फिलहाल हम पहुंच गए हैं रानीपॉल। ये है रानीपॉल। रानीपॉल से करीब 11 किलोमीटर गैंगटोक है, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। और गैंगटोक बहुत बड़ा शहर है। गैंगटोक में हम लोगों की लगभग एंट्री हो चुकी है। फाइनली गैंगटोक में तो एंट्री हो गई हमारी, और यहाँ से होटल हमारा करीब 10 किलोमीटर के आसपास है। वो ऊपर आपको पूरा गैंगटोक दिखाई दे रहा होगा। गैंगटोक के बारे में आपको बताऊं, गैंगटोक में ऑटो रिक्शा, बैटरी रिक्शा नहीं चलता है, यहाँ लोकल में टैक्सी चलती है, जिसमें किराया लगभग 40-50 रुपए से शुरू होकर 100-150 रुपए रहता है शेयरिंग बेसिस पर। वैसे अगर आप पैकेज लेकर आते हैं, जैसे हमने लिया है आराध्या टूरिज्म के थ्रू, तो उन सब टैक्सी की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ पैकेज में ही कवर रहता है, तो वही आपको घुमाने ले जाएंगे। सबसे बेस्ट तरीका तो मुझे यही लगा सिक्किम में घूमने का, पैकेज बुक कीजिए और पूरा सिक्किम घूम डालिए। बुकिंग डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। फिलहाल तो हम पहुंच गए हैं गैंगटोक, और गैंगटोक में हम लोग अभी जाएंगे अपने होटल की तरफ। गैंगटोक में घूमने के लिए भी ना 10-12 अलग अलग साइट्स हैं जहां जाया जा सकता है। बहुत बड़ा शहर है, बहुत सारी अलग अलग साइट्स हैं जहां घूमने के लिए टूरिस्ट स्पेशली गैंगटोक आते हैं। आप किस किस जगह घूमना चाहते हैं गैंगटोक की, कमेंट ज़रूर करिएगा। तो फिर अगर कमेंट ज़्यादा होंगे तो उन सभी जगहों को हम कवर करेंगे। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं पहले गैंगटोक आपको घुमाऊं, तो कमेंट ज़रूर करिएगा। या फिर आप चाहते हैं कि मैं गैंगटोक से आपको पहले नाथुला पास लेकर चलूं, तो कमेंट ज़रूर करिएगा। तो जिसके कमेंट ज़्यादा होंगे फिर उसी हिसाब से हम साइट्स कवर करेंगे, पहले गैंगटोक घूमें या पहले यहाँ से नाथुला पास चले जाएं, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग डिसाइड करेंगे। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कहाँ पहले घूमने जाया जाए, पहले गैंगटोक कवर करें या आगे चले जाएँ, नाथुला पास की साइड चले जाएँ। फिलहाल हम मौजूद हैं गैंगटोक में। और बड़े बड़े होटल्स, बड़े बड़े रिजॉर्ट्स यहाँ बने हुए हैं। रोड कंडीशन अच्छी है, चौड़े चौड़े रोड हैं और ट्रैफिक बहुत रहता है गैंगटोक में। आप देख भी रहे होंगे क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ लोकल ट्रांसपोर्टेशन का जो जरिया है वो टैक्सी है। हजारों टैक्सियाँ यहाँ रोड पर दौड़ती रहती हैं।
वैसे सामने बोर्ड लगा हुआ है गैंगटोक 5 किलोमीटर। वैसे गैंगटोक में हम लोगों की एंट्री हो गई है, क्योंकि गैंगटोक 5 किलोमीटर ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मेन चौक से या कह सकते हैं एमजी मार्ग तक की दूरी मेंशन की गई होगी, लेकिन हम गैंगटोक में ही हैं अभी भी। और जिस होटल में हमें जाना है उसका नाम है याक एंड यति। और ख़ास बात पता है क्या है, अगर आपको गैंगटोक को स्किप करना है या फिर गैंगटोक को बाईपास करना है तो अलग रोड बना हुआ है। आप गैंगटोक से आगे लाचिन, लाचुंग, नॉर्थ सिक्किम या नाथुला पास के लिए गैंगटोक को बाईपास करते हुए निकल सकते हैं। मेन सिटी में आपको एंट्री लेने की ज़रूरत नहीं है। हम जिस रोड पर चल रहे हैं हम गैंगटोक को लगभग बाईपास करेंगे। तो जो लोग डायरेक्ट नाथुला पास या नॉर्थ सिक्किम जाते हैं वो लोग गैंगटोक को बाईपास करते हुए निकल जाते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी हिस्सा ऐसा है गैंगटोक में ही हमें निकलना पड़ता है क्योंकि गैंगटोक बहुत बड़ा सिटी है। और वेदर ना अभी भी यहाँ बहुत क्लाउडी हो रखा है, तो बारिश कभी भी आ सकती है। और उम्मीद करेंगे कि आगे मौसम अच्छा मिले ताकि हम टूर को अच्छे से कर पाए। वो सब हम आपको दिखाएंगे आगे के एपिसोड्स में। अभी हम लोकल गैंगटोक में ही घूम रहे हैं, गैंगटोक की सड़कें आपको दिखा रहे हैं, रोड आपको दिखा रहे हैं। कुछ ऐसा दिखता है गैंगटोक, कुछ ऐसी दिखती है सिक्किम की कैपिटल गैंगटोक। और गैंगटोक में ना फार्मा कंपनियां बहुत हैं, आप में से काफ़ी लोग जानते भी होंगे, सन फार्मा का भी यहाँ पे प्लांट है और भी बहुत सारी अलग अलग फार्मा कंपनी है यहाँ पे। और क्यों है यहाँ पर इतनी फार्मा कंपनी और क्या क्या खास बात है गैंगटोक की, वो हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में ज़रूर बताएंगे, क्योंकि बहुत अल्टीमेट जगह है ये, पूरा एमजी मार्ग आपको घुमाएंगे। अगर हम लोग मेन सिटी से निकल के जाएं ना, हमारे राइट हैंड पे ना पूरा गैंगटोक बसा हुआ है। हमने ये वाला रोड चूज़ कर लिया है ताकि हम होटल तक इजीली पहुंच जाएं, गैंगटोक के मेन ट्रैफिक में हमें ना फंसना पड़े। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है अगर हम पैकेज के थ्रू आते हैं। अगर हम अपनी गाड़ी लेकर आ जाएं, अपने व्हीकल से आ जाएं, तो हम गैंगटोक के ट्रैफिक में फंस जाएंगे। जो यहाँ के प्रोफेशनल ड्राइवर हैं उन लोगों के साथ रहता है तो ईजिली साइड्स भी कवर हो जाती है और हम अपने डेस्टिनेशन तक ईजिली पहुँच जाते हैं। अभी हमारा होटल भी आने वाला है, याक एंड यति होटल है हमारा, जहां हम गैंगटोक में स्टे करेंगे और गैंगटोक की बाकी साइट्स को कवर करने के लिए उसी होटल से ऑपरेट करेंगे। हेलीपैड के पास हमारा होटल है और ये लगभग हम होटल के पास पहुंच चुके हैं। जी हां, राइट हैंड पर यही होटल है हमारा, याक एंड यति। गाड़ी लगवाते हैं साइड में और फिर चलेंगे रूम में। आगे की जर्नी ना मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में दिखाऊंगा, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो गई है। तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करके जाइएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, कमेंट जरूर करिएगा एक अच्छा सा। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, अभी के लिए बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।